कुछ लोग व्रत को भी गोला कह देते हैं। व्रत एक चीज, एरिया वाली चीज है, क्षेत्रफल होता है उसमें। व्रत के अंदर कोई भी चीज आप भर नहीं सकते हो, लेकिन जो घर की हांडी होती है, हांडी देखो, हड़िया गोली तो होती है, वो गोला है। और चूड़ी देखा है, चूड़ी व्रत है। चूड़ी के अंदर कुछ भर सकते हो, हांडी के अंदर भर सकते हो। तो हांडी गोला है, गोल है, और चूड़ी जो है वो व्रत है। हमारे सामने ढेर सारे मॉडल्स हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, गिनती नहीं कर पाओगे कितने मॉडल्स हैं। और इसमें सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि स्क्वायर क्या होता है, पैरेलोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, सारी चीजें आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, पेपर का इस्तेमाल करके। जैसे यहां पर कटिंग की गई है, यहां पे लिखा हुआ है क्यूब, तो आप जिस तरीके से कटिंग की गई उसी तरीके कटिंग करके आप खुद भी क्यूब बना सकते हो। और कहां कहां से मोड़ा जाता है वो सारे मोड़ पे मोड़ करके आप बढ़िया सा क्यूब इस तरीके से बना सकते हो। वो बनाना भी आज सीख लोगे आप लोग। और हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम आपको जो गणित की किट होती है उसको ओपन करेंगे आपके लिए, और उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं वो सारी चीजें आप हम आपको दिखाएंगे। और आज के दिन हम आपको सिर्फ शेप्स बताएंगे, और उन शेप्स में जो भी आकृतियां हैं वो दो तरीके की आकृतियां होती हैं। देखिए टॉपिक में लिखा हुआ है गणितीय आकृतियां या फिर मैथमेटिकल शेप्स। आकृतियां हमेशा दो तरीके की रहती हैं, एक 2D शेप्स और एक 3D शेप्स, द्विविमीय आकृतियां और त्रिविमीय आकृतियां। यहां पर जो शब्द है द्विविमीय, द्विविमीय का मतलब ये हो गया उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही संभव है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। और त्रिविमीय में क्या होता है, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई यानी कि मोटाई भी उसमें या फिर गहराई भी होगी। तो कौन कौन सी आकृतियां हैं इनको आज हम लाइन को हटा देते हैं, लाइन जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम लोग आज जानते हैं कि द्विविमीय आकृतियां और त्रिविमीय आकृतियां कौन कौन सी हैं, और उनको आज हम आपको दिखाएंगे मॉडल के द्वारा। किसके द्वारा? मॉडल्स। और कौन कौन सी त्रिविमीय आकृतियां हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कोण की। किसकी बात करेंगे? कोण की। कोण को समझने के लिए देखो, यहां पर मैंने दो स्केल ली हुई है और बीच में 360 डिग्री प्रोटेक्टर है। ये जो चांदा है वो 360 अंश वाला है। कितने अंश वाला है? 360 अंश वाला। क्योंकि हमें पता है कोण में दो किरणें होती हैं, है ना, एक किरण ये और दूसरी किरण ये। इन दोनों के बीच में जो ये झुकाव हो रहा है इसी को कोण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोण। अब ये कोण एक ही तरीके का तो होगा नहीं भाई, ये किरण इसके ऊपर भी हो सकती है ना। अब हम अपने प्रोटेक्टर से हम चाहे तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि इस समय तीनों किरणें कितने पे हैं? जीरो पे। इसमें कि ये ब्लैक लाइन देखिए, ये ब्लैक लाइन पहली किरण की भी देखो, इसको किरण समझिएगा, इसको भी किरण, तीनों की ब्लैक लाइन किस पे है? जीरो पे है। तो ये आपका जो होगा वो जीरो अंश का कोण होगा। कितने अंश का? जीरो अंश का। अब एक स्केल को हम उठाते हैं और मान लीजिए लेके चले गए कहां तक, ये लेके चले गए हम 360, 40, ये 50 पे है। कहां पे है? 50 पे। कितने पे? 50 डिग्री पे। यहां पे देखो 50 लिखा हुआ है, तो अभी जो कोण बन रहा है वो 50 अंश का बन रहा है। और यहां पर अगर हम ले आके रख दिए ये, तो यहां पे है 90 डिग्री का, तो ये सम कोण बन चुका है। देखो ये क्या बन चुका है? सम कोण। इसके बाद देखोगे अगर इसको हम और आगे लेकर आएंगे तो यहां बीच में जितने भी कोण बनाना चाहो बना सकते हो। अब ये बन चुका है 180 डिग्री पे आ चुका है, ये 180 अंश का कोण बन चुका है, ठीक है। अगर इनके हम दूसरे कोण के प्रकार भी जानते चले तो बड़े आराम से जान सकते हैं। यहां पे था शून्य कोण और यहां पे 90 है, तो शून्य और 90 के बीच में यहां जितने भी कोण बनेंगे ये सभी कोण न्यून कोण होते हैं, ये सम कोण हो गया। और सम कोण से ज्यादा हो और 180 अंश के मतलब ऋजु कोण से कम हो, तो बीच वाले ये जितने कोण बन रहे हैं, ये भी कोण देखो 120 अंश का है, फिर 130 अंश का, 140 अंश का, 150 अंश का, यहां तक के जितने 189 तक ले लिया जाएगा, 179 तक, 179 तक लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही 180 हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल या फिर ऋजु कोण। अब उसके बाद अगर हम 180 अंश से आगे बढ़ते हैं तो हमारा रिफ्लेक्स कोण शुरू हो जाता है। कैसा? रिफ्लेक्स कोण, 181, 182 पूरा। अब ये कोण हमारे इस तरीके से बनेंगे, इधर से ऐसे, ये पूरा यहां 360 से एक पीछे तक मतलब 359 तक जो कोण होंगे वो सारे के सारे रिफ्लेक्स कोण होंगे। 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, जितने भी कोण होंगे उनको वृहत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? वृहत कोण। तो इससे हम बड़ी आसानी से कोण समझ सकते हैं, कोण बना भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृत्त की। वृत्त
की संरचना इस तरीके से रहती है, ठीक है। इसमें जो बाहर की बाउंड्री है इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। ये बाहर की जो पूरी बाउंड्री इसे परिधि बोलते हैं। और इसके अंदर देखो ये जो बीच में ये बीच वाला बिंदु है इसे केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र या फिर सेंटर। और केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो भी रेखाएं होंगी वो सभी त्रिज्या होती हैं। क्या होती हैं? त्रिज्या। और एक वृत्त के अंदर जितनी चाहो अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हो। किसी भी सर्किल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस खींची जा सकती है, अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। अगर हम चाहें तो यहां पर ये वृत्त की परिधि है, परिधि को मिलाने वाली कोई दो रेखा अगर हम खींचते हैं ऐसे तो उसे जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। अगर कोई जीवा ऐसी हो जो केंद्र से होकर जाए तो उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये हो गया वृत्त। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्धवृत्त की। किसके? अर्धवृत्त। नाम ही है अर्धवृत्त, मतलब पूरा वृत्त जो हो उसका क्या हो जाए? आधा हो जाए। क्या हो जाए? आधा। तो इसे बोलते हैं अर्धवृत्त। इसमें ये जो बीच वाली ये जो लाइन है जिसे हमने व्यास कहा था, व्यास से ये कट कर दिया गया है, आधा वृत्त गायब आधा वृत्त बचा है। तो अर्धवृत्त किस तरीके से होते हैं? ये क्या है? अर्धवृत्त है। मिला दो पूरा, ये वृत्त है, ये व्यास जो होता है व्यास की जगह से ये दोनों को काट दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे वृत्त के बाद अर्धवृत्त के बाद है त्रिभुज। त्रिभुज के लिए बहुत बेहतरीन एक उपकरण हमने बनाया हुआ है स्केल और पेंच के द्वारा। इससे चाहो तो सारे त्रिभुज पढ़ सकते हो आप। त्रिभुज कितने प्रकार के होते ही हैं? कोण के आधार पर तीन प्रकार के और भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के। जैसे इसमें हम अगर भुजाओं के आधार पर बात करें तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, है ना, एक भुजा दो भुजा और ये तीसरी भुजा। और तीन कोण भी होते हैं, एक कोण दो कोण। देखो तीन कोने बन रहे ना, ये कोना ही तो है ना। अब देखो अगर हम भुजाओं के आधार पर बात करें तो तीन प्रकार के त्रिभुज कैसे बन सकते हैं इसमें? अभी देखोगे सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं। पटरी से आप इसमें देखोगे तो ये भी कहां तक पहुंचा है? ये पहुंचा हुआ है, हाँ 22, 23 सब। अगर आपको दिख रहा हो तो ये 22-23 तक ये पहुंचा है, 23 तक ये है और 23 तक ये भी है। देखो दोनों सब 23-23 तक के हैं। इसका मतलब कि अभी जो त्रिभुज बन रहा है ये, इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, मान लीजिए कि हम किन्हीं दो भुजाओं को कम कर देते हैं, मान लीजिए इसको हम खिसका के ले गए यहां तक, कितने तक ये हो गया? 20 तक। इसे भी ले गए हम कहां तक? 20 तक। ये हो गया 20 तक। आपको दिख रहा होगा यहां पे स्केल लिखी हुई है, ये 20 और ये भी 20 पे। अब हमको ये अच्छे से पता है कि ये दोनों भुजाएं 20-20 की हैं। कितनी है? 20-20 की। कितनी है ये? 20 की ये भी, 20 की ये भी। लेकिन ये वाली तो अभी 23 पे ही है ना, है ना। इसका मतलब इसमें दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो जिसमें दो भुजाएं बराबर हो तीसरी भुजा बराबर ना हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। पहला हमने जान लिया समबाहु, समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर थी, 23-23 की थी। दूसरा हमने ये जाना कि ये कौन सा त्रिभुज बन गया है, ये समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगर हम इसको ऐसा कर देते, लो अब जो है सब अलग अलग कर दूंगा, कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं रहेगी। एक को हम रखते हैं 23 पे, एक को रखते हैं 20 पे और एक को रखते हैं, घटा देते हैं, ये हो गई है कितने पे? ये वाली तो टोटल अभी भी 23 पे है ना, कितने पे है? 23 पे। और इसको थोड़ा सा उठा करके हम कर दिए 22 पे, कितने पे? 22 पे। तो एक 23 पे है और एक 22 पे है और ये वाली अभी हमने हटाया नहीं ना इसको, ये 20 पे ही है। तो एक 23 और एक 22 और एक 20, कोई भुजा बराबर है? ऐसे भी दिख रहा होगा ये छोटी है, इससे बड़ी थोड़ा ये है और सबसे बड़ी ये है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, है ना। सबसे छोटी ये है ना, उससे बड़ी ये है और सबसे बड़ी ये वाली है। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? एक हो गया समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषम। विषम मतलब जो सम ना हो, जो बराबर ना हो। फिर उसके बाद बात करते हैं चतुर्भुज की। किसकी बात करते हैं? चतुर्भुज।
यहाँ पे देखो सबसे पहला ये चतुर्भुज में क्या होता है, चार भुजाएं होती हैं, है ना, एक दो तीन और चार, है ना। ये जो है इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली इस वाली के बराबर है, इसका मतलब ये आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, चारों कोण कितने अंश के रहेंगे, 90 अंश के रहेंगे। तो ऐसी आकृति आपको दिखे कहीं भी, जैसे ये दीवार है अपनी, ये कैसी है, आयत है, क्या है, आयत। उसके बाद देखोगे ये आयत को ही समझ में दबा दिया गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये देखो तिरछी है ना, ये कोण और ये कोण, ये कोण, ये कोण, कोई कोण 90 अंश का नहीं रह गया, उसमें चारों कोण 90 अंश के थे। इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। कोई भी चतुर्भुज होगा उसमें कम से कम दो त्रिभुज बनते हैं, क्या बनते हैं, दो त्रिभुज बनते हैं, कोई भी चतुर्भुज होगा उसमें दो त्रिभुज बनते हैं। जैसे देखो चतुर्भुज था ना ये कितने त्रिभुज बन गए इसमें, दो त्रिभुज। इसीलिए चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनको जोड़ते हैं तो 360 अंश होता है ना, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, 180 ही तो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है और चतुर्भुज में दो त्रिभुज बनते हैं, मतलब 180 इसका, 180 इसका, कुल कितना 360 अंश का। अब चतुर्भुज के बाद इसमें देखिए है पंचभुज और खष्टभुज। पंचभुज में क्या होता है, इसमें पांच भुजाएं होती हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, पांच भुजाएं, देखते हैं, एक दो तीन चार पांच, ये क्या हो गया, पंचभुज हो गया, क्या हो गया, पंचभुज। इसी तरीके से खष्टभुज भी बन जाएगा, उसमें कितनी भुजाएं होंगी, छह भुजाएं होंगी। अब हम बात करते हैं त्रिविमीय आकृतियों की। सबसे पहला है घन, क्या है, आप चाहो तो पेपर से इसे खुद ही बना सकते हो, इस तरीके का पेपर ले लेना और कटिंग कर लेना, और जहां जहां से इसमें देखो एक मोर, ये इसमें दो तीन चार पांच छह, ऐसी आकृति जो होगी वो कौन सी होगी, घन की होगी, किसकी होगी, घन की या फिर क्यूब की। अगर क्यूब में हम फलक गिनना चाहें, उसकी दीवारें गिनना चाहें तो गिन सकते हो, कितनी दीवारें हैं, एक दो तीन चार पांच छह, छह फलक होते हैं, कितने फलक होते हैं, तो घन में छह फलक हो गए, और घन में शीर्ष कितने हैं, कोने कितने हैं, कोने भी तो बन रहे हैं ना, एक देखो ये कोना है ना, ये कोना जैसे अपने कमरे का कोना, एक कोना दो कोना तीन कोना चार कोना, और चार इधर, एक दो तीन चार, आठ कोने बनते हैं। कोर कितने बनते हैं, कोर उसको कहते हैं जहां पर दो दीवारें आकर मिली होती, जैसे एक दीवार ये एक दीवार, यूं समझो जहां से ये मुड़ा मुड़ा है कागज, जैसे यहां से ये मुड़ा ना, तो ये कोर बनाएगा, क्या बनाएगा, कोर, कोर क्या चीज, कोर है ना, जैसे एक दीवार इधर से गई एक दीवार उधर से गई, जहां पर दोनों मिली हुई है वो क्या बन जाती है, कोर, धार, धार धार, यहां पे अगर टच करोगे तो लगेगा, यहां पे चोट ज्यादा लगेगी, है ना, गड़ जाएगा। तो कितने कोर बन रहे हैं भाई, कोर गिन लो जरा, कितने बनेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ, और फिर आगे वाले में देखो नौ दस ग्यारह बारह, बारह कोर बनती हैं, आठ शीर्ष हो गए थे और फलक कितनी थी, फलक कितनी थी, एक दो तीन चार पांच छ, छह फलक, आठ शीर्ष और बारह कोर, इसमें घन में। अब देखो उसके बाद घनाभ है, एक चीज और जान लो, इसमें घन में जितने भी ये फलक है ये सभी वर्ग हैं, क्या है, देखो ये सब क्या है, वर्ग हैं, किसी भी फलक को आप ले लो ये क्या है, वर्ग है। इसके बाद बात करेंगे घनाभ की, घनाभ भी आप बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, है ना, इसमें देखोगे कितनी फलक, जितनी फलक घन में है उतनी घनाभ में भी रहेंगी, एक दो तीन चार ये वाली, है ना, फिर ये पांच और ये छह, और कोर भी उतनी रहेंगी और शीर्ष भी उतने ही रहेंगे, क्यूबॉइड में भी सेम, जो बस अंतर क्या रहता है वो मैं बता रहा हूं आपको। इसमें भी देखोगे एक दो तीन चार, चार शीर्ष इधर और चार शीर्ष इधर, आठ शीर्ष हो जाते हैं, इसमें भी कोर भी गिनोगे तो सेम बारह कोर इसमें भी आएंगे। अंतर ये है कि उसमें क्या था, सभी वर्ग थे ना, फलक जितनी थी सब वर्ग थी ना, लेकिन इसमें जितने फलक होंगे वो सभी वर्ग नहीं होंगी, वो क्या हो सकती है, आयत होंगी, क्या होंगी, देखो ये आयत है, ये आयत है, ये आयत है, ये वाला भी आयत है, दो ही वर्ग है, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, ये हो गया घनाभ। इसके बाद बात कर रहे हैं बेलन की, किसकी, बेलन, बेलन नाम आते ही आपको पता लग जाता है बेलने वाली कोई चीज, बेलन आप बना सकते हो बहुत आसानी से, एक पेपर ले लो, है ना, उसमें इस तरीके कटिंग कर लो और दो इसमें क्या बना लो, वृत्त, है ना। अब इसको देखो हम मोड़ते हैं गोल गोल, ये मुड़ गया, ये कैसा आकार ले लिया,
ये बेलन के जैसा ले लिया, बेलन के पाइप जैसा बन गया ना। बेलन में दो वृत्त होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का, ये पूरा बेलन हो गया। बेलन में अगर आप देखो तो इसमें कोई भी चीज भरी जा सकती है ना, तो ये इसकी धारिता है। क्या है? धारिता। उसको आयतन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? आयतन। इसमें भर सकते हो, जितना भर सकोगे वो उसका आयतन है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बेलन के बाद शंकु की। किसकी बात करेंगे? शंकु बनाना बहुत आसान है, इस तरीके से पेज आप कट कर लेना और उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस मोड़ना है। देखो ये मोड़ करके इसको जोड़ दो, इस तरीके से शंकु ये बन जाएगा, बन जाएगा ना। कोण बन गया है, कोण में भी एक वृत्त होता है, ये लो वृत्त, पूरा कंप्लीट कोण बन चुका है। चिपका दोगे फिक्स हो जाएगा एकदम, है ना। अब इसके बाद कोण के बाद बारी आती है प्रिज्म की। प्रिज्म में और पिरामिड में थोड़ा अंतर होता है, लोग दोनों को एक ही चीजें बता देते हैं, टीचर्स भी गलती कर जाते हैं, समझो पहले। जो प्रिज्म होता है उसमें देखोगे तीन आयत हैं, एक दो तीन, तीन क्या हैं? आयत, आयत ही हैं। इसका बेस भी आयत है, ये आधा, ये दीवार, ये दीवार, दोनों आयत है ना, ये भी आयत है, तीन आयत हो गए। और दो त्रिभुज होते हैं, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, इस तरीके की संरचना होती है प्रिज्म की। किसकी होती है? प्रिज्म की, है ना। और देखो इसी लगे हाथ पिरामिड पहले बता देता हूं। पिरामिड में क्या होता है, दो तरीके के पिरामिड होते हैं, एक होगा जिसका आधार वर्गाकार होगा, कैसा होगा? वर्गाकार, वर्ग के जैसा है। अब देखो ये पिरामिड ऐसे बनके तैयार हो जाएगा, समझ लो मिस्र का गीजा का पिरामिड है ये, ये हो गया पिरामिड। ठीक है, इसमें कहीं आयत मिला? प्रिज्म में आयत था ना, इसमें वर्ग मिला है, इसका आधार वर्ग है, नींव जो बनी है वो वर्ग के जैसी है। और इसमें कितने त्रिभुज है? एक दो तीन चार। अगर आधार वर्ग के जैसा है तो उसमें चार त्रिभुज जरूर बनेंगे, चार दीवार रहेंगी इस वाले पिरामिड में। कितनी दीवार रहेंगी? चार। ये हो गया पिरामिड, इसका नाम ही है स्क्वायर बेस पिरामिड। अब देखो दूसरा पिरामिड दिखाते हैं आपको, इसमें बेस जो होगा वो वर्ग नहीं होगा, वो त्रिभुज होगा। क्या होगा? इसीलिए इसको ट्रायंगल बेस पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल बेस पिरामिड। इसमें चार त्रिभुज ही होते हैं, एक त्रिभुज बेस में लग जाता है और बाकी तीन दीवारें बन जाती हैं। इस तरीके से होता है ट्रायंगल बेस त्रिभुज जैसा आधार वाला पिरामिड, है ना। पिरामिड जो है, एक मिस्र देश का नाम सुने हो ना, मिस्र में पिरामिड बहुत बने हुए हैं, कई पिरामिड हैं। तो ये थी आज हम लोगों ने जाना। एक रह गया गोला, क्या रह गया? गोला। गेंद देखा है? गेंद आपने, वो बिल्कुल सेम चीज, वो क्या होती है? वो गोला होती है। क्या होती है?